सो वेरी गुड आफ्टरनून यूट्यूब। तो चलते चलते हमारे साथ में दो KTM RC वाले मिल गए थे हमें, जो जा रहे हैं वर्धा होते हुए पुणे की तरफ। तो आधा रास्ता ये भी हमारे साथ चलेंगे। और KTM राइडर्स तो आपको पता है हाइपर राइडिंग तो बनती है, तो खैर आपको तो पता है आपका भाई डिपेंड करता है मूड के हिसाब से, वैसे चलाता है और जब सिचुएशन वैसी होगी तो चलाएगा। तो ये भाई भी अपने को टर्निंग पे मिल गए, तो हम लोग चल रहे हैं साथ में। और जब तक साथ चलेंगे तब तक साथ चलाते हैं, उसके बाद में ये निकल जाएंगे पुणे की ओर, हम निकल जाएंगे मुंबई की ओर। खैर मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसा फ्लैशर ऑन करके चलाने के लिए, बट उन लोगों को दोनों के लिए एक दूसरे की बाइक्स का सिग्नल है तो वो लोग चला सकते हैं, बट मैं अपने फ्लैशर नहीं चलाता हूँ। मैं तभी चलाता हूँ जब मुझे पता नहीं होता कि आगे रोड कौन सा है, या फिर जब मुझे अचानक कभी रुकना होता है या फिर डाउट होता है कि मैं सही रोड पर हूँ या नहीं। तो उस वक्त में क्या होता है, थोड़ा पीछे वाला बंदा भी डाउट में रहता है कि कब उसका रिएक्शन हो। खैर KTM RC के ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, ये बात मुझे पता है, एज़ कम्पेयर टू V4 के। और ठंड काफ़ी है वैसे, और इन लोग भी फुल गियर अप है। वैसे नी पैड नहीं है, बस मैंने उन्हें बोला मैंने भैया नेक्स्ट टाइम कभी भी राइड करो यार नी पैड पहन लिया करो, थोड़ा सा क्या एल्बो और नी पैड रहता है तो थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। खैर उन्होंने काफ़ी गियर अप किया हुआ है, शूज़ पहन के चला रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है यार। आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज़ आप एक बार गियर अप होकर के तो देखिए। और स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट उसके बाद यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा गियर अप होकर के गाड़ी चलाने का। एक अलग ही फीलिंग आती है गियर अप होकर गाड़ी चलाने में। खैर दो KTM RC और एक यहाँ R15 V4, नो डाउट KTM RC थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा तेज़ चलती है एज़ कम्पेयर टू इस बेबी के, बट स्टिल ये भी बहुत अच्छी है। और अभी इसने कर लिया है लगभग 2000 किलोमीटर। तो हमने डाला था इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी जिसमें हमने किया, तो हमने 7 दिन में 2000 किलोमीटर पूरे कर लिया यहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए, हर दिन थोड़ा ज़्यादा चलाते हुए अपनी यहाँ R15 के ऊपर। तो वैसे टूरिंग करना इसके ऊपर बहुत अलग बात है, तो अगर आप लोग चाहते हैं उसका अलग से वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं स्पेशल इस वीडियो मतलब इस राइड में जो जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी के साथ, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ना कि इसका जो प्रीवियस मेरा ओनरशिप है उसके बदले में। क्यों? क्योंकि अभी जो फील हुआ वो ताज़ा ताज़ा आपको बताने में ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि घर जा कर के फिर कुछ दिन के बाद बताने में। तो मैं आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग से टूरिंग का वीडियो, तो मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। तो आज है आखिरी दिन हमारी राइड का, मतलब 7th डे है आज। यही था, मतलब इतना ही राइड था। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द मुंबई साइड। तो अगर आप लोगों ने पिछले दिनों के वीडियो नहीं देखे होंगे तो बैक टू बैक Day 1, Day 2, Day 3 करके वीडियोज़ में डालते जाऊँगा, तो आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियोज़। और कैसे वीडियो लगे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। है अब थोड़ा सा ज़रा हम चलते हैं, बिकॉज़ आपसे बातें करते करते मैं हमेशा भूल जाता हूँ, चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मैं भूल गया कि भाई अपने को चलना है मुंबई की तरफ, और बज चुके हैं 3:30 ऑलमोस्ट, और गाड़ी का जो माइलेज जो टेम्परेचर है वो है 84 डिग्री। मतलब इतनी ठंड है कि गाड़ी गर्म होने वाला कोई इश्यू नहीं है। और रियल टाइम माइलेज अभी निकल के आ रहा है 1.3। खैर रियल टाइम तो क्या डिपेंड करता है, जैसे ही मैं एक्सेलेटर दूंगा तो रियल टाइम माइलेज चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो निकल के आ रहा है एवरेज माइलेज, तो 2.3 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि मैं लगभग चला लूँगा अभी तो 2050 हुए हैं और मैं शायद 2600 किलोमीटर ये पूरी राइड में क्लॉक कर चुका रहूँगा। तो आप 2.3 से डिवाइड कर लीजिए कि कैसे माइलेज मुझे मिला है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। और जो एवरेज स्पीड है मेरी वो है 66 km/h। जी हाँ, पूरी राइड में जो हमारी एवरेज स्पीड है वो है 66 की। वैसे 66 काफ़ी अच्छी स्पीड है, तो मेरा टारगेट था हमेशा से 60 और 65 के बीच में मैं रहूँगा, और 66 1 किलोमीटर ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा 1 किलोमीटर ज़्यादा रहने में अच्छी बात है।
देख रहे हो भाई, ये लोग भी फुल फॉर्म में चला रहे हैं, फुल प्रो लोग हैं ये लोग भी, और वर्धा के भाई लोग हैं दोनों। और मैंने अभी मतलब वही टर्निंग पे रुक करके बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कैसा क्या है। तो ये लोगों का भी पुणे जाने का प्लान है, मैंने अच्छी बात है यार। भाई लेकिन ठंड मुझे समझ नहीं आ रहा है रात को क्या होगा मेरे साथ, रात को तो ठंड और बढ़ने वाली है। यकीन मानिए सूरज देवता को मैं सीधा देख सकता हूँ, सूरज देवता की कोई गर्मी लग ही नहीं रही है, इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। खैर इन लोगों ने मिरर फोल्ड किए ना, तो इनको देखना पड़ता है पीछे से मुड़ करके। एक अच्छा है कि पिलियन ने भी हेलमेट पहना है, बहुत अच्छी बात है। तो खैर यही एक क्विक अपडेट था, तब तक हम इन लोगों के साथ थोड़ा सा राइड करते हैं, जब तक साथ है तब तक साथ चलते हैं, बाकी ये अपना रास्ता ले लेंगे, हम अपना रास्ता ले लेंगे। तो ऐसे चलते चलते ऐसे दोस्ती हो जाती है, लोग मिल जाते हैं, और ऐसी दोस्ती बहुत लंबी चलती है यार। एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, कभी मैं वर्धा जाऊँ तो इन लोगों को बोलो भैया यहाँ आया हूँ, भैया मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी भी मैं जहाँ रहूँ और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो बस मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, और हम जुगाड़ कर लेंगे कुछ ना कुछ मिलने का। बस यही दिक्कत है कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा उड़ता परिंदा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, फटाफट निकल जाता हूँ मैं। ओए होए ये थोड़ा रिस्की, हाँ ये थोड़ा रिस्की था। खैर सबकी राइडिंग स्किल अलग होती है, मैं थोड़ा सा तभी ओवरटेक करता हूँ जब मुझे मैदान साफ लगे तब। ये जो लाइट जलती है ना यार, माशाल्लाह लगती है यार, मुझे यकीन नहीं होता यार यहाँ ने इतना अच्छा लाइट्स दिया है। खैर टूरिंग की बात मैं अगर करूँ तो अलग से उस वीडियो में बताऊँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं आई और क्या क्या चीज़ें पसंद आई, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जा कर के। और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। न जाने रात को हम कितने बजे पहुंचेंगे, उम्मीद है 11, 12, 1 बज भी सकता है, बट मुंबई का टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ है। लेकिन मुंबई में जब जाते वक्त अपने को बहुत सारी ऐसी रोड मिलने वाली जहाँ पे ठंड होगी, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अपने डबल ट्रिपल तो पहन लिया ऊपर, और नीचे है थोड़ा सा जीन्स, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था हमें। और नीचे है शूज़, तो शूज़ पहनने में बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पैरों को ठंड कम लगती है, एंड ग्लव्स भी ये है, बट वही मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था एक बार कि ज़्यादा ठंड लगेगी मैं तो थैलियाँ पहन लूँगा इसके ऊपर। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना अभी, तो मतलब जो ग्लास है ना हेलमेट के अंदर का, ये जो वाइज़र, इसके ऊपर फॉग आ रहा है बार बार, मतलब अपनी इतनी गर्म हवा हो रही है, बाहर इतनी ठंडक है कि मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा कांच फॉगीला फॉगीला हो जा रहा है। अच्छा फॉगीला फॉगीला ये वर्ड होता भी है क्या? फॉग फॉग आ रहा है। खैर वीडियो को कर देते हैं बंद, वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक समय था जैसे यही रोड है, तो क्या मुझे ये किस्सा याद आया तो मैंने चला आप लोगों को शेयर करूँ। तो सीन ऐसा हुआ कि जब हम एमरजेंसी में एक बार गाँव आ गए थे, वो ट्रिप मेरा लाइफ का सबसे ख़तरनाक ट्रिप था, मतलब कार में, बाइक में अब तक आया नहीं है, ऊपर वाले की देन है कि आज तक कभी कोई भी गाड़ियों ने हमें ऐसा बीच में रोका नहीं है, धोखा नहीं दिया है, तो उस मामले में अपना नसीब बहुत अच्छा है। तो हम आए थे एक बार कार से, और हमारा एक टायर पंचर हुआ था लगभग यहाँ से, जो पहले वाला रोड था जो नागपुर तक आता है, नागपुर का जो रोड है वो अमरावती को टच होता है, इस हाईवे को टच होता है, वहाँ तक में एक हमारा टायर फटा था, तो हमने मतलब टायर पंचर हो गया था पूरा, तो ख़राब हो गया था पूरा टायर।
तो उसके बाद हमारा जो स्टेपनी था वो लगाया गया और मैं अकेला था तब, मैं मतलब ड्राइविंग में ही कर रहा था और पूरी फैमिली थी साथ में और अपनी कार थी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा और आगे चलाया मैंने और सेकंड जो टायर है वो भी फट गया और बच चुके थे रात के 8-9। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे 8-9 बजे होना काफ़ी बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, एक टायर तो पंचर करवा लिया, तो टायर पंचर बनवाने के बाद हम निकले यहाँ से सीधा और आगे, तो धूले में जाकर के हमारा जो दूसरा टायर था जो पहले बनवाया गया था वो फिर से फट गया। मतलब दो टायर हमारे जो थे वो ख़त्म हो गए, तो लेफ़्ट और राइट दोनों का टायर। तो हमारे पास स्टेपनी भी नहीं थी फिर तब, वरना एक रहता है कि एक्स्ट्रा व्हील रहता है तो अपन एडजस्ट कर सकते, थोड़ा चला लिए आगे जाकर के करवा लिए। हम रात के 2 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक केवल गाड़ी में बैठे रहे। उस दिन समझ आया कि वक्त कितने, हालात कितने बदल जाते हैं, थोड़ा सा अपने को बैकअप प्लान तैयार करके रखना पड़ता है। उस दिन के बाद से हमने थोड़ा सा ड्राइविंग का स्टाइल चेंज कर दिया, या तो रात को निकल रहे हो तो सारी अपनी गाड़ियाँ पूरी टकाटक होनी चाहिए और कोशिश करिए रात को जब आप निकलते हैं तो मेन हाईवे ही निकलिए, कहीं पे भी छोटा मोटा टर्न न लीजिए। और अगर आप जैसे रूरल एरिया से निकल रहे हैं तो रात को ट्रैवल मत करिए, क्योंकि क्या है अगर कुछ होता है अप डाउन तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, पंचर की दुकान नहीं मिलेगी, टायर वाला नहीं मिलेगा, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होगी जो आपको तकलीफ़ देगी बहुत, और रात में क्या होता है तकलीफ़ 4 गुना बढ़ जाती है, वैसी बात है। तो वो किस्सा मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि क्या होता है अकेले खुद को कुछ भी हो जाए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो इंसान सबसे ज़्यादा डरता है। तो मैंने सोचा आप लोगों से ये बात शेयर करूँ, ऐसे ही याद आ गया यहाँ आया इस रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ तो, क्योंकि क्या है पहले भी इस रोड पर बहुत बार गाड़ी चलाई है मैंने, लेकिन कभी कैमरा लेकर के रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिलता था मुझे, तो वो चीज़ थोड़ी सी याद आई तो मैंने कहा चलिए आप लोगों यार शेयर की जाए। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बहुत अचानक आते हैं और ऐसे छोटे 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 होते हैं, लेकिन पूरी गाड़ी को झंझोड़ करके रख देते हैं। तो झंझोड़ने से याद आया हमारा ये जो फेयरिंग है उसका लेफ़्ट साइड का ये जो पैनल है ये भी बेचारा इस राइड में कुर्बानी दे चुका है, तो अब ये मुंबई जाकर इसकी जो लॉक है वो लॉक लग जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गया है। ओ भाई साहब, गाय माता बीच में आ गए थे। खैर आगे रोड अच्छा आने वाला है, स्ट्रेट आएगा, काफ़ी लंबा आएगा जिसमें गाड़ी कॉन्स्टेंट चलेगी, और देखते हैं कि क्या हम 800 किलोमीटर वन स्ट्रेच में कर पाएंगे। तो देखिए आप लोग बिल्कुल ट्राई मत करिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है अब मुझे चला चला करके मैं आदत हो चुकी है, मुझे कोई भी बाइक दीजिए, मतलब सोचिए ना R15 पे हमने एक हफ्ते में गाड़ी चलाई है लगभग 2600 किलोमीटर, 7 डेज 2600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, अभी और आगे होएंगे। और हम निकले थे 23 को और आज है 31st, तो जब तक आप वीडियो देखेंगे नया साल चालू हो चुका होगा, तो ये हमारे 2021 की सबसे लॉन्ग राइड हो जाएगी और जो सबसे आखिरी में की गई है। वैसे मुझे ठंड में गाड़ी चलाना थोड़ा सा एनर्जी सेविंग लगता है, क्योंकि ठंड एक बार ना पूरा गियर अप करके हम जब होते हैं तो एक बार चल सकते हैं, लेकिन गर्मी में चीज़ें बदल जाती है। हाँ वैसे ऐसा लगता है जैसे ठंड में ना सारे कपड़े गीले हैं, मतलब जब मैं नागपुर में अभी था तो ऐसा फील होता जैसे सारे कपड़े गीले हैं, बट एक्चुअली वो गीले नहीं थे, सब ठंडे इतने हो गए थे कि वो गीला जैसा लगता था। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि कपड़ों को गर्म करो फिर पहनो, डबल ट्रिपल पहनो, फिर थोड़ा रुको, क्योंकि थोड़ा समय लगता है उस चीज़ को ये होने में। और यार परसों तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए क्या ही तूफ़ान आया था, मतलब खूबसूरत भी लग रहा था सब कुछ और डेंजरस भी बहुत था। और ट्राई करिए कभी भी आप गाड़ी चलाएं, और अगर आप अकेले हैं, मतलब अकेले यानी कि रोड पे जब अकेले हैं, तो ट्राई करिए थोड़ा सा वी एट द सेंटर वाला लेन, मतलब इस तरफ के लेन में थोड़ा सा टूवर्ड्स दिस साइड, ये जो परफेक्ट लेन होता है। बिकॉज क्या होता है इन केस कोई आपको राइट से ओवरटेक करना चाहता है आप लेफ्ट में ऐसा तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं, और अगर कोई लेफ्ट से आपको ओवरटेक करना चाहता है तो आप धीरे से ऐसे पीछे देख करके राइट में शिफ्ट हो सकते हैं, वरना क्या होता है थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब आप ओवरटेक करते हैं। तो अगर आप पूरे ऐसे हैं और कोई नालायक मूर्ख बिना हॉर्न दिए ऐसा झुक करके बाजू से निकल जाता है तो क्या थोड़ा आदमी डर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लगभग हमेशा इस लेन में चलाता हूँ, मतलब मेन लेन को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में,
एक होता है फास्ट लेन में टूवर्ड्स द लेफ्ट, और अगर तेज़ चलाने का मूड है तो मैं थोड़ा सा राइट में चलाता, अब मैं चलाऊँगा यहाँ से तेज़। तो ये मैंने लेन डिवाइड करके रखता हूँ मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद आएगी तो ट्राई करके देखिएगा जब आप लॉन्ग राइड पे जाएं, कि यहाँ से जब आप चलाएंगे तो आपको एक थोड़ा सा यू नो व्यू पॉइंट अलग मिलता है, क्योंकि आप चलते हैं इस वाइट लेन के साथ में और ये आपको काफ़ी गाइड करती है कि रोड कैसा आ रहा है, कितना कर्व है, कितना स्ट्रेट है। जैसे देख रहे हैं आप, ये पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका मतलब रोड स्ट्रेट है, तो आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ओहो, लेकिन क्या ही ठंड लग रही है यार, क्या ही ठंड लग रही है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और ये तो कंफर्म हो गया कि जब हम मुंबई पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा। अब कितना हो चुका होगा या अर्ध रात्रि हो चुकी होगी ये भी नहीं पता, लेकिन हो चुका होगा ये श्योर है। तो आगे हम थोड़ा सा रुकेंगे, कैमरा को अब अंदर डाल देंगे और फिर किसी मोड़ पे आपसे मुलाकात होगी, दो बात होगी। सफ़र का मज़ा लीजिए तब तक आप। सो वेरी गुड आफ्टरनून यूट्यूब, बज चुके हैं लगभग 2 और अभी हम लोग पहुँचे हैं जालना। और आपको एक व्यू बताऊँ, बहुत ही कमाल का व्यू है, लेकिन रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो ये देखिए, पूरा चारों तरफ है फॉग, और ये देख रहे हैं क्या ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, पूरा ही रोड। ये पीछे से जहाँ से हम आए और ये आगे जा कर के हम जाएंगे यहाँ से लेते हुए ये टर्न, और इस तरफ है जालना और यहाँ से आएगा मुंबई वाला रोड।